दोस्तों सरोजोशी व्लॉग्स जो कि इंडिया के नंबर वन व्लॉगर है, इनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता है। दोस्तों सरोजोशी व्लॉग्स के खिलाफ काफी सारे वीडियोस बन रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सरोजोशी के अंदर एटीट्यूड आ गया है, इनको घमंड हो गया है और ये अपने रिलेटिव और इनके बहुत सारे ऐसे बेस्ट फ्रेंड है जिनसे ये अब मिलना छोड़ दिए हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। तो इसकी सच्चाई क्या है आज की इस वीडियो में सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस जरूर, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए न्यूज स्टोरीज और सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज आप लोगों को इनके बारे में पता होगा, सोनू भैया के बारे में। सोनू भैया जो कि सरोजोशी के एक अच्छे फ्रेंड थे, उनका क्या कहना है सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो सौरव हांसी आया हुआ है और हांसी मुझे पता है वो किसके साथ है, और उसने ना तो वो मेरे पास आया है, ना ही वो श्रुति के पास गया है और ना ही वो गुंजन के पास गया, किसी के पास नहीं गया है। तो अब आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं जब वो हमारे पास ही नहीं आ रहा, तो भाई एटीट्यूड है या नहीं। अब ये दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि हाँ सरोजोशी को यार मिलना चाहिए था, सरोजोशी उनका इतना बेस्ट फ्रेंड है, वहां पे गए थे तो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप लोग ये से सोच रहे हो, आप लोग दिमाग से नहीं सोच रहे हो। आज सरोजोशी जिस मुकाम पे है, नंबर वन व्लॉगर है, आप उसके बारे में थोड़ा एक बात ध्यान से सोच कर देखिए। जो इंडिया के नंबर वन व्लॉगर है, इतना मेहनत कर रहे, लगातार वीडियो बना रहे, उनके चैनल पे सबसे पहले आप जाकर विजिट करोगे तो आपको एक वीडियो, एक दिन में एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों उस एक वीडियो को बनाने के पीछे इतना मेहनत लगता है, सरोजोशी रात भर जगकर वीडियो को एडिटिंग करते हैं। मतलब कि दोस्तों आज सरोजोशी यहाँ पर है, इसके पीछे इनका मेहनत है एंड सरोजोशी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने रिलेटिव से भी मिल सके। लेकिन गाइस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सरोजोशी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि सरोजोशी हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपने रिलेटिव से मिले, लेकिन ज्यादातर वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं अपने रिलेटिव के साथ, क्योंकि दोस्तों आज वो इंडिया के नंबर वन व्लॉगर बन चुके हैं एंड उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां है। आप लोग इस बात को नहीं समझोगे गाइस क्योंकि आप एक यूट्यूबर नहीं है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। इस चैनल पे गाइस सबकी मेहनत है, इनकी भी है, उसकी भी है, मेरी भी है। सरोजोशी के अंदर ऐसा नहीं है गाइस कि वो किसी से मिलना ही छोड़ दे, उनके अंदर एटीट्यूड आ गया है, घमंड आ गया है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरोजोशी हमेशा कोशिश करते हैं कि वो मिले। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।